के साथ। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप कुमार मौर्य के नेतृत्व में राजापुर, तातेपुर, सिंहवार, रायपुरा आदि गांवों में सैकड़ों लोगों को बाढ़ राहत सामग्री बांटी गई। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बिजली आदि की सप्लाई बंद किए जाने से अंधकार की स्थिति व पशुओं के चारे की सबसे बड़ी दिक्कत सामने आ रही है। खड़ी धान की फसल एवं सब्जियों की खेती बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसानों की कमर एकदम से टूट गई है। बाढ़ पीड़ितों और बाढ़ से बर्बाद हुए किसानों को 5-5 लीटर फ्री केरोसिन तेल, जीवाणु रोधी दवाओं के छिड़काव व 30,000 प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को अविलंब मुआवजा देने की सरकार से मांग की गई है। बाढ़ राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामधारी यादव, संतोष यादव, संजय प्रधान, इश्तियाक आलम, राकेश मौर्य, दिलीप मौर्य, गुलशन आदि लोग शामिल थे। हम यही चाहते हैं कि जिले में हमारे योगी जी अभी कुछ दिन पहले अभी आए, बाढ़ पीड़ित में बाढ़ लोग पीड़ित थे उसी समय आए, अब बनारस से चले जाते हैं, वो हवाई सर्वेक्षण की ओर करते हैं। योगी जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया। यहाँ पर जनता परेशान है, यहाँ पर लोगों ग्रामीण, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पशुओं के जो जितने चारा है सब भींग गया है, सड़ गया है, और यहाँ पर खाने के लिए जो गेहूँ चावल रखे हुए थे सब भींग के सड़ गया है टोटल। देखा जाए 2022 का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? 2022 में हम लोग पूरी तरह कमर कस के एकदम तैयार हैं, और योगी बाबा को इस बार हम लोग गाजी गोरखपुर भेजने का काम करेंगे इस बार। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, पूरा प्रदेश इसमें हाहाकार मचा हुआ, अखिलेश हर जहाँ पर, पूरे जहाँ पर अखिलेश जी का इस समय पूरा चल रहा है। कहा है हमें यादवों की कोई जरूरत नहीं, उनको तो ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। इसलिए जाति विशेष का चुनाव नहीं है, समाजवादी पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है, इसमें सारे लोग जुड़े हुए हैं। और उन्होंने ये साबित कर दिया, उस जाति भावना से लोगों को देखते हैं। आज भी समान जहाँ जहाँ बट रहा है उस जाति की राजनीति कर रहे हैं हमारे नेता, और हम लोग जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारे सर्व समाज की पार्टी है, और सर्व समाज के लोगों को हम लोग लेके चलेंगे। उसमें हमारे साथ ब्राह्मण, ठाकुर, हर समाज के लोग रहेंगे, माइनॉरिटी के लोग रहेंगे, अति पिछड़े पिछड़े दलित सारे लोग रहेंगे हम लोगों के साथ। सच के साथ।